दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान के बाद लोकेश कनगराज और शाहरुख का नाम अगली एक फिल्म को लेकर सामने आ रहा है। दोस्तों, राजामौली के बाद अब एक खबर ये भी सामने आई है कि साउथ के खतरनाक फिल्म डायरेक्टर लोकेश अपनी अगली फिल्म के लिए शाहरुख खान को शाइन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो समझो आप हॉलीवुड फिल्मों को भूल जाओगे, इस लेवल का डायरेक्टर हैं। अगर किसी तरह से शाहरुख खान इस फिल्म की शूटिंग कर लेते हैं तो आप जवान पठान सबको भूल जाओगे। दोस्तों, आपने विक्रम फिल्म तो देखी ही होगी, उसी स्टोरी में आप शाहरुख खान को इमेजिन कर लो, क्या खतरनाक फिल्म बनेगी अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जवान का तूफान भी रुकने का नाम नहीं रहा है। फिल्म ने अभी तक हिंदी में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है और दुनिया भर से 1000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन हो चुका। देखा जाए हिंदी लैंग्वेज में तो जवान केवल हिंदी के अंदर भी 600 करोड़ की बाजी मार चुकी है। इतना पैसा देख कर रेड चिली वालों को भी चक्कर आ रहे हैं। वही दोस्तों, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर फिल्म की निर्माता पत्नी हो तो एक्टर को अच्छा एक्टिंग करना ही पड़ता है। अब जवान ने पैसा गोरी खान ने लगाया तो शाहरुख भी बेचारे नॉर्मल एक्टिंग करके टाइम पास नहीं कर सकते, क्योंकि उधर गोरी का पैसा डूबा, इधर शाहरुख का घर में आना बंद। खैर दोस्तों, अब जवान के बाद आगे क्या करेंगे शाहरुख, इसकी बात करें तो पहले टाइगर 3 में नजर आएंगे। लेकिन कल ही एक न्यूज वायरल हो रही थी, जवान के फैंस ने टाइगर 3 के फैंस को बहुत मारा। दोस्त तो कभी कभी एक्टर को समझ नहीं आता उनके फैंस करना क्या चाहते हैं। मतलब टाइगर 3 में सलमान खान के साथ शाहरुख काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनके फैंस आपस में लड़ रहे हैं। वही आगे शाहरुख की डंकी भी इसी साल रिलीज होने वाली है। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जवान ने प्रभास की फिल्म सालार को काफी पीछे छोड़ दिया है। सितंबर का पूरा महीना जवान का होने वाला है और हो सकता है इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं।